जहाँ तक गरीब कल्याण का सवाल है, हमारा गरीब कल्याण अन्न योजना, उसमें हम चावल, गेहूं और दाल तो देते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ मस्टर्ड ऑयल और शुगर कंसेशनल रेट्स में देंगे, वो भी हम लोगों ने तय किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से 6 न्यू एक्सप्रेस वेज बनाए जाएंगे, एक विंध्या एक्सप्रेस वे, नर्मदा एक्सप्रेस वे, अटल प्रगति एक्सप्रेस वे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और मध्य भारत विकास पथ, इस तरीके से हम इसको डेवलप करने वाले हैं। 34 रेलवे स्टेशंस को हम मोस्ट मॉडर्नाइज तरीके से तो डेवलप कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ 2 नए एयरपोर्ट्स रीवा और सिंगरौली का, उसको भी हम वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बना करके उसको हम समर्पित करेंगे। आपके यहाँ मेट्रो में भोपाल और इंदौर, इसका ट्रायल रन हो चुका है। हम नई मेट्रोज इन ग्वालियर को, जबलपुर को भी हम उसमें ऐड करेंगे, इस तरीके का हम काम करने वाले हैं। एक हम अटल मेडिसिटी बनाएंगे हेल्थ के दृष्टि से, और हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से 20,000 करोड़ रुपीस हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने वाले हैं। जहां तक सांस्कृतिक विकास का सवाल है, लगभग 13 सांस्कृतिक लोक निर्माण के काम और उनके नवीनीकरण का काम, इसको हम लोग अपने संकल्प पत्र में जोड़ रहे हैं। 13 हमारे जो पूज्य स्थान है और उनका नवीनीकरण करने के लिए, उसके लिए हम अपना पूरा योगदान करके उनको हम इन 5 सालों में पूरा करेंगे, ऐसा हमारा उद्देश्य रहेगा। तो हमारी कोशिश है हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, किसान, उसकी परचेजिंग कैपेसिटी, इन सब चीज़ों में हम अपने आप को जोड़ करके मध्य प्रदेश को, जो एक समय में बीमारू राज्य था, आज वो अग्रगणी राज्य के पथों पर पथ पर है, उसको बढ़ाने का हम अपना योगदान करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आप लोगों के माध्यम से, मध्य प्रदेश की जनता से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र को लेटर और स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करती रही है, और आगे भी हम उसको पूरा करेंगे, और आप इसको मध्य प्रदेश की जनता तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं, ये आपसे मेरा निवेदन है। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। जिन घड़ी की हमें प्रतीक्षा थी वह अब नजदीक आ गई है। मध्य प्रदेश के विकास को नया आयाम देने के लिए समृद्धि एवं अंत्योदय के साथ डबल इंजन की भाजपा सरकार के संकल्प को पूर्ण करने के लिए मंचासीन अतिथियों से संकल्प पत्र के विमोचन के लिए आग्रह करता हूं। लोग है कह रहे एमपी के मन में
मन में मोदी 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 के मन में एमपी एमपी के मन में मोदी 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 के मन में एमपी किसान भाई खुशहाल हुयो का बटन दबाए भाजपा को जिताए एमपी के मन में मोदी एमपी के मन में मोदी।